तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट एंड एक्वेरियम की सर्विस कैसे करते हैं और इसके प्रभाव एल जी वगैरह लगती है जो हम 24 घंटे लाइट वगैरह यूज़ करते हैं। अगर सनलाइट पड़ती है तो उससे भी ये एल जी वगैरह आती है। तो ये पेपर कटर का ब्लेड लिया मैंने और इसको थोड़ा तिरछा रख के ना कुछ शीशे पे हम इसको करेंगे ना तो आपकी सारी एल जी वगैरह ये आपकी ना वो क्लीन हो जाएगी तो ग्लास पे। तो आपने इसको सीधा रख के ब्लेड यूज़ नहीं करना। अगर तो आप सीधा रख के ब्लेड यूज़ करेंगे तो आपकी ये शीशे की लाइनें आ जाएगी। और बाकी जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि एलजी है काई लगी हुई है ग्रीन जो होती है तो वहाँ पे आपने इसको तिरछा रख के आप इसको थोड़ा करेंगे तो ये आपकी सारी क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो है इसकी सर्विस पानी जो है ना पानी आपने इन दिनों में जो होता है ना ये सर्दी वाला जो मौसम होता है तो इसमें जो है ना कोशिश करें कि आप 50% पानी चेंज करें। सारा पानी नहीं चेंज करना, जब भी चेंज करना है 50% चेंज करें या डेली का आप 20% आप पानी चेंज कर लें। अगर तो आप सारा पानी निकालते हैं इन दिनों में तो इन दिनों में मिट्टी मरने का ज़्यादा वो होता है कि पानी जो है ना गर्म सा जब होता है ना पानी तो उसमें फिर वो मछली बीमार होकर मरती है। काफ़ी लोग गलती वगैरह करते हैं, इसी तरह की गलती वगैरह होती है कि लोग जो होते हैं ना सारा पानी चेंज करते हैं इसका। तो हमेशा कोशिश करें सारा पानी ना चेंज करें, जब भी चेंज करें आधा पानी चेंज किया करें, इंशाल्लाह मछली को कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और असूलन ये भी है कि जब पानी वगैरह आपने चेंज करना है ना तो उस दिन आपने मछली को खुराक वगैरह नहीं देनी। तो लोग ये भी गलती करते हैं कि जब आप अपना पानी वगैरह चेंज करते हैं तो फिर जो है ना आप उसी टाइम उनको फीड वगैरह उनको खिलाते हैं तो फिर वो उनके गेम्स वगैरह खराब होते हैं। तो इस तरह की गलती आप करेंगे ना तो फिर मछली तो ज़ाहिर बात अगर मरेगी। तो बाकी जो है आप थोड़ा एहतियात किया करें, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है हम वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। और बाकी जो है और कोशिश करें कि सारा पानी कभी नहीं चेंज करना। अगर सारा करना भी है तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इसके अगली वीडियो में वो भी आपको तरीका बता दूँगा सारा पानी चेंज करने का क्या वो बनता है। और बाकी जो है ये